दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में माताजी के श्रावण अष्टमी नवरात्रि मेला मंत्रों उच्चारण सुबह की आरती के साथ धूमधाम से शुरू हो गए। श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला 29 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगा। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माताजी के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लंबी लंबी लाइनों में माता के दर्शन किए। पंजाब के समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा माता के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों लड़ियों से सजाया गया है। माताजी के दरबार का यह दृश्य दूर दूर तक श्रद्धालुओं के दिलों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहा है। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लगभग 800 के करीब पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हेतु चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में मंदिर भेजा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में नारियल कड़ाह प्रसाद चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। असामाजिक तत्व और जेब कतरों पर नजर रखने के लिए मंदिर में जगह जगह CCTV लगाए गए हैं। मेला ठीक तरीके से हो, जो लोग मेले में आ रहे हैं उनको उचित सुरक्षा व्यवस्था हो और वो एक सुगमता के साथ, आसानी के साथ जो है वो दर्शन कर सकें, इसकी व्यवस्था जो है पुलिस ने की है। हमने एक सभी के सभी 9 सेक्टर्स में CCTV कैमरेज जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं और साथ में इस साल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पूरी जो भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, जो श्रद्धालुओं को सही तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या व्यवस्था ना हो, उसके ऊपर जो है वो ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी। इन ये जो 9 सेक्टर हैं इनमें 24 आवर्स ड्यूटी जो है वो पुलिस का रहेगा। अभी तक आज हम लोग टोटल जो है पुलिस और होमगार्ड को मिला करके कुल 675 लोगों को जो है पुलिस और होमगार्ड को डिप्लॉय कर चुके हैं। इसमें पुलिस के 525 जवान जो हैं वो ड्यूटी में तैनात हैं और 150 जो है वो होमगार्ड के हैं। जो 525 जवान जो पुलिस के तैनात किए हैं, इसमें 375 जवान जो है हमें बाहर से बटालियन और डिस्ट्रिक्ट यूनिट से प्रोवाइड किए गए हैं और 150 जवान जो है हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो मोबिलाइज करके ड्यूटी के लिए तैनात किए। QRT जो है वो हमेशा जो है वहाँ पर स्टैंड बाई रहेगी किसी भी प्रकार की घटना को या किसी प्रकार की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये प्रयास है कि बाहर से जो हमें फोर्स उपलब्ध कराई गई है और जो हमने यहाँ से मोबिलाइज किया है कि हम एक उचित व्यवस्था और उचित पुलिस व्यवस्था के लिए मुकम्मल पुलिस फोर्स जो है उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।